खातेगांव में आदिवासी रामदेव काकोड़िया के साथ हुए बर्ताव के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सभा हुई, जिसमें यूथ कांग्रेस के नेता विक्रांत भूरिया ने हजारों आदिवासियों को संबोधित किया। अपने जोरदार भाषण में भूरिया ने आदिवासी वर्ग पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। हमारे समाज के सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे समाज के सभी स्वतंत्र सेनानियों को प्रणाम करता हूं। मैं अपने पूर्वजों को, हमारे बाबा देव बड़ा देव, उनके चरणों में नमन करता हूं। साथियों, आज की जो लड़ाई है वो किसी एक व्यक्ति एक रामदेव की नहीं है। ये लड़ाई हमारे समाज के हर उस बेटे की है जिसके लिए, जिन पर शोषण और ये सिस्टम उसको बाहर करने का रास्ता दिखा रहा है। सरकार क्या कहती है? सरकार बोलती है कि रामदेव पर 9-9 केस है, उसने गलत करा, उसने नियम तोड़े। मैं ये पूछना चाहूंगा, जब सिस्टम के दरवाजे बंद होंगे तो उस पर लात मारना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो जब हम लात मारते हैं, नियम टूटते हैं, तो क्या हम गलत होते हैं? हम अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हम रहे ना रहे, ये समाज रहना चाहिए और इस समाज के अधिकार रहना चाहिए। आज मैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नहीं हूं, यहां पर मैं एक समाज के बेटे के रूप में आप सबके सामने आया हूं। और जब तक समाज के अधिकारों का हनन होगा, तो चाहे मंच कोई भी हो, आप मुझे वहां खड़ा पाओगे। क्योंकि हम आदिवासी हैं, आदिवासी मतलब आदिकाल से यहाँ का मूल निवासी हैं। ये धरती हमारी है, ये जल हमारा, ये जंगल हमारा है। कुछ लोग हमें आदिवासी कहने से कतराते हैं, वो बोलते हैं हम वनवासी हैं, मतलब जंगलों में रहने वाले। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। पहले आपको वनवासी बना दिया जाएगा, आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और बाद में आपसे वन और जंगल के अधिकार भी छीन लिए जाएंगे। फिर हमारे पास